मैंने जैसे आप लोगों को आज का टॉपिक बताया हुआ है, आज का टॉपिक है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है थाम के रखें, किसी चीज को पकड़ के रखें। जब आप किसी बड़े ऑफिस में कॉल करते हैं तो ऑपरेटर उठाती है और आप बोलते हैं फला शख्स से मैंने बात करनी है, तो बोलती है होल्ड ऑन, मतलब आप लाइन पकड़ के रखें, लाइन छोड़िएगा नहीं तो हम आपकी बात उस शख्स से करा देंगे जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या है कि आपने पकड़ के रखना है, आपने छोड़ना नहीं है, आपने थाम के रखना है। और यही खुदा आज आपसे बात करना चाह रहा है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 32वां बाब और 22 से लेके 32 आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब 22 आयत से शुरू करके 32 आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के जिंदा और मुख्तबर कलाम में इस तरह लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के गाड़ से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गया और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। और उसने उसे वहां बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फैनियल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब बस, बस बस 32 आयत तक 32 ओके पढ़िए अभी 30 हाँ जी। और जब वो फैनियल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ा लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। हालेलुया। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों को खुदा ने तौफीक दी है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ज़रूर इंग्लिश में भी अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करें और उसमें देखें कि डिफरेंस कितना है। 26वीं आयत देखिएगा ज़रा। ओहो, 26वीं आयत। नहीं, 26 नहीं, 24 पढ़िए। और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के
वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। नेक्स्ट। उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो अब उसकी रान को अंदर की तरफ छुआ और यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती लड़ने पर चढ़ गई। जी, उर्दू में क्या लिखा हुआ है? याकूब की नस चढ़ गई है। इंग्लिश में देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ही टच द हॉलो ऑफ हिज थाई एंड द हॉलो ऑफ जेकब थाई वॉज आउट ऑफ जॉइंट। यहां मेरे पास लिखा हुआ है उसका, इसमें लिखा हुआ है, ही टच द सॉकेट ऑफ हिज हिप एंड द सॉकेट ऑफ जेकब हिप वॉज आउट ऑफ जॉइंट। ये खाली नस चढ़ना नहीं है। हम समझते हैं नस चढ़ गई, नस तो किसी भी टाइम पे ठीक हो जाती है, 3-4 दिन के बाद ठीक हो जाती है। नस नहीं है, इंग्लिश की बाइबल बोलती है कि उसने जॉइंट जो होता है हिप्स का, उस जॉइंट में उस शख्स ने कुछ ऐसा किया कि उसका पैर टेढ़ा हो गया और वो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा। तो ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक नस नहीं है, नस चढ़ जाती है वो नहीं है, बल्कि बाकायदा हड्डी की कोई चीज उसने टच की है जिसकी वजह से याकूब लंगड़ा हो गया। और बहुत सारे स्कॉलर्स बताते हैं कि ये लाइफ टाइम जब तक मरा नहीं तब तक ये इसी तरह लंगड़ा रहा है। हालेलुया। मैं इसमें से नहीं बोल रहा, लेकिन स्कॉलर्स बोलते हैं, क्योंकि इब्रानी की किताब में अगर आप जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपनी लाठी के साथ चलता था। इब्रानी की किताब नए अहदनामे में एक जगह पे लिखा हुआ है अपनी लाठी के साथ चलता था। तो इस बात से स्कॉलर समझते हैं कि ये जो जॉइंट उसका खिसका है या इसका जॉइंट उसका वो करा है, आउट ऑफ जॉइंट किया है, उसकी वजह से याकूब जो है वो जिंदगी भर फिर लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत अच्छा वाकया है ओल्ड टेस्टामेंट में, और इसमें से बहुत कुछ खुदा ने मुझे दिया है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस जगह पे हो क्या रहा है, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं हुआ क्या है कि याकूब कुछ साल पहले, 20-22 साल पहले, अपने बड़े भाई की बरकतों को लेके, धोखे से बरकतों को लेके ये भागा अपने बाप के घर से और ये अपने मामू के पास गया है। और मामू के पास भी उसने काफ़ी सारी ट्रिक्स करी हैं, और ट्रिक्स करने के बाद बहुत सारा उसने मवेशी और बहुत सारा माल जमा किया है। 2 बीवियां 2 उसकी कॉन्क्यूबाइन थी, जिसे बांदियां कहते हैं, असल में वो भी बीवियां थीं, क्योंकि इसकी ये चारों औरतें हैं, इन चारों औरतों से याकूब की औलाद थी। तो ये सारा बहुत सारा ढेरों माल 20-22 साल के बाद इसने जमा किया और बहुत अमीर आदमी बन के अब ये वापस जा रहा था। काय के लिए? कि अपने भाई से, जो मैंने बहुत सालों पहले उसकी धोखे से ब्लेसिंग ले ली थी, अब मैं उस भाई से दोबारा मिलूं, उससे राजीनामा करूं और उससे जाके माफी मांगूं। और इस जगह पहुंच के बाइबल बताती है कि याकूब ने अपने, जो कुछ याकूब के पास था उसने वो सब कुछ आगे रवाना कर दिया। उसकी बीवियां उसको उसने आगे भेज दी, उसके 11 बच्चे उसने आगे भेज दिए, उसके पास जितना काफला था वो सबके सब उसके साथ आगे उसने भेज दिए। उसके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं रहा था, उसके पास इस वक्त कोई माल और दौलत नहीं रहा था। इस वक्त याकूब बिल्कुल 100% अकेला और तन्हा था, और बाइबल बताती है ये रात का वक्त था। याकूब इस वक्त बिल्कुल तन्हा रह गया था। और मैं समझता हूं अगर आप याकूब की जिंदगी का मुताला करें तो याकूब रेयरली का मतलब है कभी बाइबल में नजर आया है, शायद 2 ही दफा नजर आया है कि याकूब जो है तन्हा हुआ हो। ये शख्स ऐसा शख्स था जो कभी तन्हा नहीं हुआ, इवन तन्हा पैदा भी नहीं हुआ। ये जब पैदा हुआ है तो इसके साथ इसका एक जुड़वा भाई था जिसके साथ ये पैदा हुआ है। तो जिंदगी भर ये रेयरली एक और मौके पे है जब ये अपने भाई से ब्लेसिंग छीन के या भाई की ब्लेसिंग चोरी से लेके भाग रहा था। तो एक जगह पे ये 28वें बाब में है कि एक जगह पे एक जमीन पे सोया है और इसे सीढ़ी नजर आई है, उस टाइम पे अकेला था। और ये एक और मौका है जिस पे ये अकेला है। तो बाइबल बताती है कि ये शख्स ऐसा है जो कभी तन्हा नहीं रहता, ये कभी अकेला नहीं रहता, और ये पैदाइश से ही किसी ना किसी के साथ रहा है। और पैदाइश से इसके अंदर एक स्पेशल अनॉइंटिंग थी, और वो अनॉइंटिंग थी होल्ड ऑन अनॉइंटिंग, जिसका आज मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। होल्ड ऑन अनॉइंटिंग यानी पकड़े रहने की अनॉइंटिंग, थामे रहने की अनॉइंटिंग, हाथ से जाने ना देने की अनॉइंटिंग। और बाइबल बताती है कि जब ये अपनी मां के पेट में था
तो इसके साथ इसका जुड़वा भाई भी पेट के अंदर था और वहां पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि ये दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते थे। उस जमाने में कोई अल्ट्रासाउंड कोई मेडिकल की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन माँ बहुत तंग हो गई थी, माँ बहुत तंग हो गई थी और उसने माँ ने पूछा खुदा से कि खुदाया ये क्या हो रहा है मेरे पेट में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो खुदा ने उसे बोला मेरे साथ पढ़ ले, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे साथ निकालिएगा। पैदाइश 25 बाब 19-34 आयत, और अब्राहम के बेटे इजहाक का नसब नामा यह है। अब्राहम से इजहाक 40 वर्ष का था जब उसने रबैका से ब्याह किया, रिबका से ब्याह किया जो फदान अराम के बाशिंदा, बतुएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो भांज थी और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रबैका हामला हुई और उसके पेट में दो लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं, और वह खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उसे कहा दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वाज़े हमल के वक्त दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तो तुआम है और पहला जो पैदा हुआ वो तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना का पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम असौ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ असौ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रबैका से पैदा हुए तो इजहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, ये याकूब का कैरेक्टर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये याकूब का कैरेक्टर था। मैंने इस चर्च में आप लोगों को बताया था कि इसराइल में जो पहलोटा होता है उसका दुगना हिस्सा होता है ब्लेसिंग का। इस्तिस्ना 21 बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है, निकालिए नहीं पढ़ लीजिएगा आप, उसमें लिखा हुआ है कि जो पहलोटा होता है उसकी डबल ब्लेसिंग होती है। मुझे नहीं पता याकूब को इस बात का पेट के अंदर इस बात का कैसे पता चला है, लेकिन अंदर जो भी पेट के अंदर जो भी लड़ाई और झगड़ा और जो भी हलचल हो रही थी उस औरत के पेट में, वो सिर्फ उसका एक ही पर्पस था और वो याकूब का पर्पस था कि पहले वो पैदा होना चाह रहा था, पहले वो बाहर आना चाह रहा था। लेकिन खुदा का अपना प्लान था, खुदा का प्लान ये था कि पहले याकूब नहीं आए बल्कि पहले एसाऊ बाहर आए। और ऐसे ही हुआ, जब याकूब ने देखा कि मेरा अंदर कुछ भी, मैं जितनी स्ट्रगल जितनी भी कोशिश कर रहा हूं मेरी 12 वर्ष साबित नहीं हो रही है, तो ये शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने बाइबल में लिखा है कि इसने एसाऊ की एड़ी को पकड़ लिया। इसने बोला ठीक है अगर मैं पहले नहीं आ पा रहा हूं तो हम एक साथ बाहर आएंगे, नहीं तो नॉर्मली जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं एक दो मिनट का गैप होता है, लेकिन यहां पे मैं समझता हूं ऐसा शायद मेडिकल साइंस में भी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, किसी बच्चे ने अपने पहले वाले भाई की और बहन की जो है एड़ी पकड़ी हो। तो यहां से पता चलता है याकूब पे ये स्पेशल अनॉइंटिंग थी और ये अनॉइंटिंग कौन सी थी, ये कहलाती है होल्ड ऑन अनॉइंटिंग। होल्ड ऑन का मतलब है छोड़ने वाला नहीं है, पकड़ने वाला हूं मैं और मैं तेरे को फर्स्ट होने नहीं दूंगा, मैं ही फर्स्ट होऊंगा। अगर खुदा का प्लान है फर्स्ट होने का तो हम दोनों फिर एक साथ फर्स्ट होंगे। हालेलुया, ये इसका कैरेक्टर है और ये मैं समझता हूं ये कैरेक्टर ऐसे ही नहीं बना है, क्योंकि हम नजर आता है जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं। अभी आपने देखा है कि इजहाक जो इसका बाप था उसकी शादी 40 साल की उम्र में हुई, लेकिन पहली औलाद 60 साल की उम्र में हुई, 20 साल उसने इंतजार किया।
20 साल इंतजार करने में एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि इसहाक के भी जहन में एक चीज, एक अनॉइंटिंग थी उसकी जिंदगी में, और वो थी होल्ड ऑन अनॉइंटिंग, यानी मैं पकड़ के रखूंगा खुदा के वादों को, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे खुदा इसी में से औलाद देगा चाहे मुझे कितना इंतजार करना पड़े। प्रॉब्लम हमारे साथ हमारी जिंदगी में ऐसा होती है कि हम इस अनॉइंटिंग को ले नहीं पाते हैं, हम इस अनॉइंटिंग को टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं और वो ख्वाहिश अगर डिले हो रही होती है, वो पूरी नहीं हो रही होती, साल, दो साल, पांच साल, दस साल हो जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को मना लेते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में या मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, या मैं शायद इसके बगैर ही ऐसा रहूंगा। बाइबल बताती है कि यू हैव टू होल्ड ऑन टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, यानी तुमने खुदा के प्रोमिसेस को अपने अपने पकड़ के रखना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको हर हाल में रखना है। अब्राहम को आप जानते हैं, 25 साल उसने इस बात को पकड़ के रखा, उसका जिस्म देखो तो बूढ़ा था, उसकी वाइफ का जिस्म देखो तो बूढ़ा था, लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी में हमेशा जवान थी, और वो था प्रॉमिस ऑफ गॉड, खुदा का वादा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, और औलाद उसको दी। जब हम खुदा के वादों को पकड़ के रखते हैं, जब हम खुदा की प्रोमिसेस को, खुदा के कलाम की चीजों को अगर हम पकड़ के रखते हैं और उसे छोड़ते नहीं है, तो खुदा क्या बोलता है कि मैं हर हाल में वो चीज पूरी करूंगा। डोंट गिव अप, दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं, होल्ड ऑन अनएंडिंग को कहते हैं डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब ये है कि आप हिम्मत नहीं हारो, छोड़ो नहीं जो चीज आपने रखी है। देखें, बहुत सारे हम लोग बहुत सारी ख्वाहिशें लेके बैठे हैं। आज मैं सर से यही बात करना चाह रहा हूं, अगर अगर आपकी ख्वाहिश खुदावंद में नेक ख्वाहिश है, आप किसी लड़की को अगवा नहीं करना चाहते, आप किसी कंपनी का गबन करना नहीं चाहते, आप दुनिया के लिए कोई तबाही का कारण नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि आपके जहन में बहुत अच्छे अच्छे प्लान है कि मैं यतीम खाना बनाऊं, मैं ओल्ड एज बनाऊं, मैं ये हॉस्पिटल बनाऊं, इस तरह की कोई भी ख्वाहिश अगर आपकी जिंदगी में है, मैं आपको बोल रहा हूं आप इस ख्वाहिश को पकड़ के रखें, होल्ड ऑन टू दैट डिजायर, और खुदा से इसको मांगते रहें, गिव अप नहीं करें, अपने हालात, अपने सर्कमस्टेंसेस देख के आप छोड़े नहीं कि यार 25 साल पहले मैंने ख्वाहिश की थी, अभी तक ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई, छोड़ो मट्टी पाओ कुछ और करते हैं। नहीं, बाइबल में कहा है कि अगर तुम इसके वादों को, इस चीज को पकड़ के रखोगे, और यही खुदा का कलाम आज याकूब की जिंदगी से हमें बता रहा है कि इतने पैदाइश वाले बच्चे को कैसे सेंस है, ये सेंस नहीं है, ये अनॉइंटिंग है कि उसने अगले अपने भाई का एड़ी पकड़ी हुई थी कि मैं तेरे को फर्स्ट जाने नहीं दूंगा, और थ्रू आउट उसकी जिंदगी में हम देखते हैं जगह जगह पे उसने ये ब्लेसिंग लेने के लिए बहुत सारे जतन किए। मैं सारे वाकयात आपको नहीं बता रहा, एक दफा ये जब जवान हो गए दोनों, तो बड़ा भाई एसव जो है बहुत भूखा था, और आया घर पे और उसने बोला कि मुझे कुछ खाने को दे, तो पता है याकूब ने क्या बोला, कहा मैं तेरे को खाने को दूंगा, तू पैलोटे का हक मुझे दे दे, यानी पैदा तू पहले हुआ है लेकिन आज तू भूखा है, तू जरूरतमंद है, तू बोल के मैं पैलोटा नहीं हूं, तू पैलोटा है तो मैं तेरे को खाना दे दूंगा। उसने बोला पैलोटे की क्या ऐसी क्या वैल्यू है, तो उसने बोला ठीक है मैं पैलोटे का हक तेरे को देता हूं। तो ये बंदा याकूब जो है, एक चीज जहन में रखें कि इसके जहन में एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मुझे ब्लेसिंग लेनी है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मुझे ब्लेसिंग लेनी है किसी भी तरह से, किसी भी जतन करके, कोई भी तरीके से मैंने ये खुदा की ब्लेसिंग लेनी है। एक दफा जब इजाक बहुत बूढ़ा हो गया, तब उसने धोखे से, मैंने आपको बताया पैलोटी की ब्लेसिंग डबल होती है, धोखे से इसने क्या किया अपने माँ के साथ मिलके, बजाय एसो को जो हकदार था ब्लेसिंग का, ये खुद चला गया, बाप को नजर नहीं आता था आंखों से, बाप ने वो ब्लेसिंग इसको दे दी, और ये लेके जब ये ब्लेसिंग ले ली इसने, तो उसका जो दूसरा भाई था वो खुशी से डांस करने नहीं लगा, बल्कि वो गुस्से से, कहर से भर गया, और बाइबल में लिखा है उसने बोला है कि मुझे याकूब जहां मिलेगा मैं इसे मार डालूंगा। तब उसके माँ बाप ने इसको वहां से भगाया, अपने अपने बाप के, अपने मामू के घर में भेजा,
20-22 साल तक ये मामू के साथ भी ट्रिक करता रहा, मामू के साथ भी ये मुख्तलिफ गेम करता रहा और मामू से ज्यादा दौलतमंद बन गया। आज ये 20 साल के बाद ये वापस आ रहा है और जब ये वापस आ रहा है इस जगह पे पहुंच के, एक जगह पे पहुंच के ये इसने सारी चीजें जो इसके पास थी इसने आगे रवाना कर दी और इसने बोला आज मैं यहां पे अकेला रहूंगा। फैमिली ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, जो कुछ दौलत धन दौलत जो था सब आगे चला गया था, जो बॉडीगार्ड थे जो इसके साथ काफला था कोई इसके साथ नहीं था और ये इस वक्त इस जगह पे बिल्कुल तन्हा और अकेला था। हमें नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखा है कौन सी जगह है, कोई रेस्टोरेंट कोई होटल नहीं है, ये एक ओपन ग्राउंड है, हो सकता है कोई गार हो, नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि रात की तारीखी है और ये अकेला है, और रात की तारीखी है ये अकेला है। तब एक आदमी आता है और इसके साथ रेसलिंग करने लगता है। हालेलुया। इस मंगल को मैंने अपने अलकुस की कलीसिया वालों को बताया था कि बाइबल में जब भी रात का वक्त आता है उसका एक मीनिंग है। रात के वक्त का मतलब यह है कि अंधेरा आ गया है। अंधेरे का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरे का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी जहां पे अंधेरा होता है वहां पे रोशनी नहीं होती। अगर अंधेरा होगा तो इसका मतलब है उस जगह पे रोशनी नहीं है। और जब भी अंधेरा होता है तो एक चीज क्लियर है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती, आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। आप जिस जगह जाना चाहते हो आप जा नहीं सकते। आप 20-25 साल से पाकिस्तान इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम देखते हैं हमारे घरों में, जिस घरों में हम 20-25 साल से रह रहे होते हैं अचानक अगर लाइट चली जाती है तो हम देखते हैं कि हम अपने घर में जैसी लाइट जाती है हम किचन तक नहीं जा सकते। हम टटोल टटोल के जाते हैं और हमें याद नहीं आता हमने कैंडल कहाँ पे रखी है, माचिस कहाँ पे रखी है ताकि हम लेके लाइट जलाएं। तो बाइबल में जब भी रात का जिक्र आता है इसका मतलब है एक डार्क पीरियड है, एक तारीखी है। एक तारीखी का मतलब यह है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। एक स्टेट है कंफ्यूजन की, समझ आ रही है? एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंफ्यूज है बंदा कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किस तरफ मुझे किचन मिलेगा, किस तरफ मुझे कैंडल मिलेगी। जैसे अंधेरा होता है वैसे ही कंफ्यूजन आती है, वैसे ही हमारे पास डायरेक्शन खत्म हो जाती है। और ये आज मैं बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में हम जब अपना सफर शुरू करते हैं जिंदगी में ये तारीख दौर हम सबके ऊपर कहीं ना कहीं आता है। एक ऐसा टाइम आता है जब आप अपनी जिंदगी में चल रहे होते हो, हर जगह रोशनी होती है लेकिन आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में एक अंधेरा छा गया है, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे इस जगह पे इस नौकरी पे रहना चाहिए या मुझे अपनी नौकरी बदल लेनी चाहिए, मुझे यहां रहना चाहिए या मुझे पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए, मुझे फला लड़की से शादी करनी चाहिए या फला लड़के से शादी करनी चाहिए। एक साथ अगर 5 रिश्ते आ गए, एक लड़की कनाडा की है, एक लड़की अमेरिका की है, एक यूके की है, एक न्यूजीलैंड की है, अब आप कंफ्यूज हो गए। सारी जगहें जबरदस्त हैं, किस लड़की से शादी की जाए। तो बाज दफा जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन आती है जब आपके पास डायरेक्शन नहीं होती और वो आपकी जिंदगी का एक डार्क पीरियड होता है। और ये हर एक की जिंदगी में आता है, हर एक की जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में नहीं आया वेट करें, एक टाइम आएगा जब आपको फील होगा कि मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है ना सिर्फ ये अंधेरे का रात का टाइम था बल्कि याकूब अकेला था। और जिंदगी में ये अकेलेपन का भी टाइम आता है। हम लोगों के साथ, खानदान के साथ रहते हुए भी अकेले होते हैं। हम परेशानियों में से, हम चैलेंजेस में से ऐसे गुजर रहे होते हैं, आपके पास गो भीड़ नजर आए, आपके पास लोग नजर आए, आपके पास बहुत सगे रिश्तेदार नजर आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस दुनिया में शायद बिल्कुल अकेला हूं। कितने लोग मेरे पास से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है जब हम फील करते हैं कि हम अकेले रह गए हैं। भले आसपास हमारे लोग होते हैं, भले आसपास हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक स्टेज जिंदगी में आती है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम अकेले हैं। बाइबल बताती है कि याकूब ना सिर्फ अकेला था, रात का टाइम था और रात के टाइम में एक शख्स आया और उसके साथ रेसलिंग करने लगा। हालेलुया। जिंदगी में जब आप अकेले हों,
जब आप तारीखी को फेस कर रहे हो, जब तारीखी का फेज आपकी जिंदगी से गुजर रहा हो, जब अंधेरे का दौर आपकी जिंदगी से गुजर रहा हो और आपको फील होता है कि मैं अकेला हूं इस दुनिया में, या मैं अकेला रह गया हूं, कोई मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए नहीं तैयार है, मेरे साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है, याद रखें कोई ना कोई रेसलिंग आप जरूर लड़ रहे होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपकी जिंदगी में जो आपको अकेला कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसी कुश्ती चल रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसी रेसलिंग चल रही होती है आपकी जिंदगी में जो आपको फील कराती है कि आप अब इस जगह पे इस लड़ाई में अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, और आप अपनी जिंदगी के डार्केस्ट टाइम से गुजर रहे हैं, अपने जिंदगी के सबसे काले दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी माली हालात के साथ कुश्ती लड़ रहे हो सकता है अपनी माली हालात के साथ आप रेसलिंग लड़ रहे हो सकता है आप अपनी बीमारी के साथ रेसलिंग लड़ रहे हो सकता है अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए आप रेसलिंग लड़ रहे हो सकता है अपना स्टेटस बचाने के लिए आप रेसलिंग लड़ रहे हो। बहुत सारी जिंदगी में कुश्ती होती है जो हम लड़ रहे होते हैं, बाज दफा इबलीसी कुवतों से हम लड़ रहे होते हैं, बाज दफा अपने आप को खुदा में बढ़ाने के लिए हम लड़ रहे होते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे आदतें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी एडिक्शन है जिसको हम कट कर रहे होते हैं, जिससे हम लड़ रहे होते हैं, कुश्ती कर रहे होते हैं कि ये हमारी जिंदगी से दूर हो ताकि मैं खुदा के साथ रास्ते के साथ और दयानतदारी के साथ चलूं, मैं फख्र से बोल सकूं मैं खुदा के साथ सफाई से चल रहा हूं। तो जिंदगी के इस स्टेज पे कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप अंधेरे में होते हैं, आप अकेले होते हैं और आप जिंदगी की कोई ना कोई कुश्ती लड़ रहे होते हैं, चाहे शैतान से लड़ रहे हो, बस दफा ये कुश्ती आप खुदा से लड़ रहे होते हैं। अब आप बोलेंगे खुदा से कैसे लड़ रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा। याकूब जो है, ये जो शख्स इसके पास लड़ने आया है, ये और कोई नहीं है, ये खुदा खुद है, खुदा खुद इंसान बन के आया है और याकूब के साथ कुश्ती लड़ रहा है। हम भी बाज दफा खुदा के साथ रेसलिंग कर रहे होते हैं, और मैं आपको बताऊं खुदा के साथ रेसलिंग करना गुनाह नहीं है, खुदा के साथ रेसलिंग करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप बच्चा आपको चाहिए, आप किसके साथ रेसलिंग करोगे? आप खुदा से ही मांगोगे ना, आप रोजे रखोगे, आप दुआओं में जाओगे, आप जो कुछ कर सकते हो खुदा से वो बच्चा छीनने के लिए आप एक जोर आजमाई कर रहे होते हो, ये रेसलिंग है। आपको एक जॉब चाहिए, आप किसके पास जाओगे? पहली चीज आपके पास खुदा है, दुनिया तो बाद में देगी, जब खुदा ऊपर से खोलेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास यहां से जवाब आ जाएगा, जी ये आपकी जॉब है, आपका वेट कर रही है, आ जाए। तो खुदा के साथ रेसलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है खुदा के साथ रेसलिंग करना, लेकिन गुनाह इस बात का है कि खुदा के साथ आप रेसलिंग करते करते बीच में छोड़े नहीं अपने आप को, बीच में अपने आप को अलग नहीं करें कि नहीं मैं अब ये 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए इंतजार करते हुए, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, बाइबल बोलती है कि जो खुदावंत पे तवक्कुल रखते हैं वो अस्तरे नौ उकाबों की तरह जोरावर होंगे, उकाबों की तरह जोरावर होंगे। पास्टर हारून का मुझे मैसेज याद है, उन्होंने एक ईगल पे दिया था, उन्होंने बोला था उकाब जब बूढ़ा हो जा, पता नहीं बूढ़ा होता है क्या होता है, लेकिन उकाब पे एक टाइम ऐसा आता है, एक सीजन उसकी जिंदगी में ऐसा आता है जब उसकी जो चोंच होती है वो झड़ जाती है, और जब वो झड़ जाती है तो वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और ऊंचाई पे वो रहने लगता है, और तकरीबन 6 महीने तक वो ऐसे ही रहता है, वेट कर रहा होता है कि मुझे नई चोंच मिलेगी, नए पर मिलेंगे। वो अपनी चोंच से अपने पर खींच खींच के बिल्कुल नंगा हो जाता है, चोंच भी उसकी टूट जाती है, और फिर जब वो वेट करता रहता है, बाइबल बताती है कि उकाबों की तरह अस्तरे नौ वो जोर पाएंगे। 6 महीने के बाद नई चोंच उसकी निकलती है, नए पर आते हैं और नई कुवत के साथ वो फ्लाई करता है। तो आप जब अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, खुदा के साथ रेसलिंग कर रहे हैं, कोई सी भी आप जिंदगी के मोमेंट में गुजर रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में इस अनॉइंटिंग को रखें कि यू हैव टू होल्ड ऑन टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, कि आपने खुदा के प्रोमिसेस को पकड़ के रखना है। खुदा ने अगर एक चीज आपको बोल दी है कि ऐसा मैं करूंगा तो मैं करूंगा, आप ट्रस्ट करें, आप अपने दिल को बेदिल ना करें कि यार नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हुआ, छोड़ो मैं दूसरी कोई चीज देख लूं। नो,
जमे रहे, जो जमे रहते हैं, जो अड़े रहते हैं, उन्हीं की जिंदगी में खुदा काम करता है। और याद रखें कि खुदा से जब आपका पर्सनल इनकाउंटर होता है, खुदा के साथ जब पर्सनल इनकाउंटर होता है, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआवजा लेते हैं। इससे बड़ा मुआवजा आपको कभी भी नहीं मिलेगा जब तक आपका खुदा के साथ पर्सनल इनकाउंटर नहीं होगा। बाइबल बताती है कि याकूब ने कुश्ती नहीं शुरू करी, वो शख्स आया है और उसने कुश्ती लड़ना शुरू करी है। अब सुनिएगा गौर से, अब कुश्ती हो रही है, रात भर लड़ाई हो रही है, रात भर कुश्ती हो रही है। जब सुबह का पोप हटने लगी, जब सुबह नमोदार होने लगी, तब वो शख्स जो आया था कुश्ती लड़ने, उसने देखा कि मैं इस शख्स पे काबू नहीं पा रहा हूं। अब ये बड़े हैरान कन बात है कि खुदा खुद इंसान बन के आया है और वो याकूब के साथ लड़ रहा है, और बाइबल बताती है कि वो शख्स उस पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सका, तो उसने याकूब के जॉइंट को टच किया और वो डिसलोकेट हो गई जगह, और याकूब लंगड़ाने लगा। हालेलुया। मेरा पहला सवाल, आज आप किसके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं? आज आपकी जिंदगी में कौन सी रेसलिंग चल रही है? किसके साथ आप लड़ाई कर रहे हैं? बाज लोग खुदा के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन गंदी वाली लड़ाई। गंदी वाली लड़ाई ये है कि आपने खुदा को बोला कि खुदावन तूने मेरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, मेरी पड़ोसी की जिंदगी में ऐसा किया, मैं नाराज, आज से मैं चर्च नहीं आऊंगा। ये नाराजगी है, ये नहीं करना है हमने। हम लोगों ने खुदा के साथ उसके वादों में जोर आजमाई करनी है। सुने, जैसे रस्सा कशी होती है ना, मान ले खुदा ने आपका वादा इस तरफ से पकड़ा हुआ, उस तरफ से आपने खींचना है। जब आप दूसरी तरफ से खींचेंगे उसे, तो खुदा रोक के रखेगा, सिर्फ ये देखेगा तब तक आप गिव अप नहीं करते हैं। और अगर आप शो कर देते हैं कि खुदावन मेरे पे जो मसा है वो छोड़ने वाला मसा नहीं है, मैं पकड़ के रखने वाला हूं, मैं याकूब वाली नस्ल में से हूं, तो फिर खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में प्रॉमिस छोड़ देता है। हालेलुया। आज रात आप में से कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की कुश्तियों में है? कोई हो सकता है बीमारी की कुश्ती लड़ रहा हो, कोई हो सकता है किसी किस्म के नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, शादी के लिए, घरेलू हालात के लिए, इबलीसी कुवतों के साथ बेशुमार आप लोग लड़ाइयाँ, हो सकता है इस रूम में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो मुख्तलिफ किस्म की लड़ाइयों में इन्वॉल्व हों। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, तो अगला मरहला जो है वो यही है कि खुदा के साथ आपका इनकाउंटर होने वाला है। हालेलुया। अगर आप इस टाइम पे अपने आप को फील करते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अंधेरा हूं, मेरी जिंदगी में कंफ्यूजन है, मुझे डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, तो तीसरा स्टेज बाइबल बताती है, तीसरा स्टेज खुदा खुद आता है और खुदा आपके साथ लड़ाई करता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस दो स्टेज पे हैं, तो बहुत जल्द खुदा अपने आप को आपकी जिंदगी में शो करने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है सारी रात ये लोग लड़ते रहे, सारी रात लड़ते रहे। अब सारी रात लड़ने के बाद याकूब एग्जॉस्ट हो गया, सारी रात लड़ने के बाद याकूब थक गया। अब उसमें मजीद जोर नहीं था कि मैं लड़ाई को जारी रखूं, लेकिन चूंकि उस पर एक मसा था, एक अनॉइंटिंग थी कि वो हारने वालों में से नहीं था, उसे अपनी चीज चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से चाहिए। जब वो पूरी तरह से थक गया, पूरी तरह से हलकान हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और सामने वाले ने देखा कि मैं इस बंदे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इस पे अजीब किस्म का मसा है, तो उसने याकूब की थाइस के जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया। और जब जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया, तो पहले ही ये बंदा थका हुआ था, सुनिएगा, पहले ही ये बंदा थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, अब क्या हो गया, पेन में भी आ गया। हालेलुया। अब पेन में भी आ गया। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत अरसे से कुछ ना कुछ जिद्दोजहद कर रहे हो, बहुत अरसे से आप लोग किसी किस्म की कुश्ती लड़ रहे हैं, माली हालात के लिए, जॉब के लिए, फैमिली के लिए, बहुत सारे अरसे से, बहुत लंबे अरसे से आप लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, और टाइम ये आ गया है कि अब आप लोग एग्जॉस्ट हो गए, अब आप लोग थक गए हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हालात कब चेंज होंगे, कितना अरसा मैं और मजीद इन हालात के साथ लड़ता रहूंगा,
कितना अरसा मैं इसको और लेके खींचूंगा तब मेरे हालात चेंज होंगे, और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आप एग्जॉस्ट हो गए, बाइबल बताती है उसने उसके हिप बोन को, उसके जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया। मतलब यह है कि पहले ही वो हलकान हुआ था, पहले ही एग्जॉस्ट हुआ हुआ था, अब क्या है, अब पेन भी शुरू हो गई है, अब तकलीफ में। जिंदगी में ऐसे हालात बहुत दफा आते हैं जब आप नजात मांग रहे होते हैं, जब आप सलूशन मांग रहे होते हैं, जब आप चाह रहे होते हैं कि खुदावंद अब इस चीज का एंड हो जाना चाहिए, अब ये चीज बस हो जानी चाहिए, उस टाइम पे एक ऐसी चीज हो जाती है जो आपको और पेन देती है और आपको तकलीफ देने लग जाती है। आप कहते हैं मैं रिहाई मांग रहा हूं, बजाय रिहाई के मेरे को और तकलीफें मिल रही हैं। हालेलुया। कितने लोगों के साथ ऐसा वाकया हुआ है? मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा दोबारा से, कि एक सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे, थक गए थे, लड़ लड़ के थक गए थे, और जब थक गए थे हम सोच रहे थे अब ये इसका मसले का हल हो जाएगा, तब वो सिचुएशन मजीद क्रॉनिक हो गई, मजीद ज्यादा गंदी हो गई, और बजाय उसके कि हम उसमें से अपने आप को थके हुए को कोई सहारा कोई सांस लेते, हम एक नई चीज में एक नए पेन में मुब्तला हो गए। लेकिन उस टाइम पे हम भूल गए थे कि जो कुछ हो रहा है वो सब खुदा कर रहा है पीछे। हालेलुया। और जब याकूब ने देखा कि अब मजीद लड़ाई जारी नहीं रख सकता, अब तारे इधर खड़े होइएगा, जब याकूब ने देखा कि अब मेरा जॉइंट भी डिसलोकेट हो गया है, मैं थक भी गया हूं, और ये बंदा अब जाना चाह रहा है, तो याकूब ने क्या किया? याकूब ने अथलियों पकड़ लिया। हालेलुया। और ये वो है अनॉइंटिंग, होल्ड ऑन अनॉइंटिंग, मैंने नहीं छोड़ना, मेरी जिस्मानी हालत बोल रही है छोड़ दे, लोग बोल रहे हैं छोड़ दे, मेरे सरकमस्टेंसेस बोल रहे हैं अब छोड़ दे, अब मजीद होप नहीं रख, अब मजीद उम्मीद नहीं रख, छोड़ दे इन चीजों को, मेरे आसपास मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है देयर इज नो होप, कोई और होप नहीं है, कोई और उम्मीद नहीं रख, बट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू गॉड, मैं खुदा के वादों पे भरोसा रखना चाहता हूं। और उस शख्स ने, उस याकूब ने उस शख्स को पकड़ लिया, उसने बोला ये अनॉइंटिंग मेरे पे बचपन से, मैं नहीं छोड़ने वाला, इसके लिए मैं सारी जिंदगी लड़ाऊं, सारी जिंदगी मैं ब्लेसिंग के पीछे भागाऊं, और अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ मेरी बॉडी में अब हिम्मत नहीं है, अब मैं मजीद नहीं लड़ सकता, मेरे को पेन भी हो रहा है, मैं चल भी सही से नहीं सकता, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये खुदा का एक तरीकेकार है, खुदा इस तरह हमारी जिंदगी में एग्जॉस्टेशन लाता है, इस दफा इस तरह हमारी जिंदगी में हमें हलकान करता है, पेन लेके आता है, और उसके बाद आपको आपका मौजदा देता है। मिसाल के तौर पे एक कनानी औरत यीशु के पास आई और यीशु को बोला कि खुदावंद एक बदरू मेरी बच्ची को सताती है, तो उसके लिए कुछ कर। अगर आप वो वाकया पढ़ें तो पता चलता है कि वो कनानी औरत सरहदों पर आई है, यानी कितने मील वो चल के आई है, वो सरहदों तक आई है यीशु को ढूंढने के लिए। मैं इधर देखें, बच्चों को नहीं देखें, ये जो है ना, ये जहन में रखें कि जहां पे खुदा की हजूरी होती है वहां पे लिबर्टी होती है, वहां पे आजादी होती है। आप लोग इस आजादी को नहीं फील करते लेकिन बच्चे फील करते हैं, इसलिए वो आजाद घूमते हैं। उन्हें छोड़ दें, आप उनकी तरफ देखें नहीं, खुदा के कलाम को सुने। तो वो औरत खुदा के पास आई और मीलों का सफर तय करके आई। याद रखिए उस औरत का शौहर का जिक्र नहीं लिखा हुआ कि वो औरत का शौहर भी था, शौहर था या नहीं था, वो ऑलरेडी एक पेन में थी, क्योंकि अगर शौहर होता तो शौहर को उस जगह पे आना चाहिए था, शौहर नहीं आया, पता नहीं कितने किलोमीटर तय करके खुदावंद यीशु मसीह को वो सरहदों पे मिली है, और सरहदों पे मिलने के बाद खुदावंद यीशु मसीह से बोला कि खुदावंद यीशु मसीह मैं थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ, बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ, और मेरी बेटी को एक बदरू सताती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जॉइंट बोन को डिसलोकेट कर दिया और पेन दिया। और क्या बोला खुदावंद यीशु मसीह ने? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला लड़कों की रोटी लेके मैं कुत्तों को नहीं डाल सकता। लेकिन उस औरत पे भी यही अनॉइंटिंग थी,
होल्ड ऑन अनॉइंटिंग. उसने बोला तुझे कुत्ता बोलना है कुत्ता बोल, कुछ और गाली देनी है दे, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना, मुझे मेरी बच्ची की रिहाई चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी आज. और खुदा ने उसको जो मांगती थी वो दिया. आज मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन सी ऐसी डिजायर है, कौन सी ऐसी आरजू है जो आप करना चाहते थे और आप नहीं कर सके, आप उसको छोड़े नहीं. खुदा पे भरोसा रखें, खुदा पे उम्मीद रखें, खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है. नदीम भाई मुझे इशारा कर रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट अगर नदीम भाई दे दें मैं खत्म कर दूंगा. अच्छा सुनिए, तो उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने उसने याकूब ने उसको झप्पी मार के पकड़ लिया. उसने बोला मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा. हालेलुया. और याकूब को ना सिर्फ, देखें जब इन हालात से आप गुजरते हैं, इन फेजेस से आप गुजरते हैं और खुदा के साथ आपका इनकाउंटर होता है, तो वो ब्लेसिंग आपको नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं होती है, वो ब्लेसिंग आपकी डिफरेंट ब्लेसिंग होती है. ये याकूब अपनी ब्लेसिंग के पीछे बचपन से लगा हुआ था कि मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं. लेकिन जब सही जगह पर उसने ब्लेसिंग मांगी है तो खुदा ने उसे क्या बोला है, मैं तेरे को ब्लेस तो करूंगा करूंगा, मैं तेरी पूरी नस्ल को ब्लेस करूंगा. आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, आज से तेरा नाम इसराइल है. खुदा आज इस चर्च में आपके लिए ये मैसेज लेके आया है और खुदा बोल रहा है इन लोगों को बोलो कि मैं इन सबके नाम चेंज करने वाला हूं. अब आपका नाम जॉबलेस आदमी नहीं है, आपका नाम है कि आप बहुत अच्छे रोजगार वाले हैं. अब आप बे औलाद नहीं है, आप बांझ नहीं है, बल्कि आप अपने बच्चों के बच्चे देखोगे. खुदा आज हमारा नाम चेंज कर रहा है. खुदा बोल रहा है कि आज आप ओवर एज नहीं है. आपको लोग बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई, शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अच्छा शौर या अच्छी अच्छा अच्छे अच्छी आपको जीवन साथी मैं दूंगा. मैं आज आपका स्टेटस, आपका नाम चेंज करना चाह रहा हूं और ये खुदा इस चर्च में करना चाह रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में करना चाह रहा है. आप खोटा सिक्का नहीं हो. हो सकता है आपको लोग खानदान में सब बोलते हो कि यार ये खोटा सिक्का है. खुदा बोल रहा है आज से नाम चेंज हो रहा है, आज से तुम खोटा सिक्का नहीं हो. आज से खुदा आपको जोरावर बना रहा है, खुदा लोगों के लिए आपको बरकत बना रहा है. आज से आप बर्डन नहीं हो लोगों के लिए, आज से आप बर्डन नहीं हो. खुदा आज रात आपका नाम चेंज करके आपको बर्डन वाला नहीं बना रहा, बल्कि आप बर्डन कैरियर बनोगे. खुदा के लिए आप वजन उठाने वाले, बोझ उठाने वाले बनोगे, लोगों के बोझ उठाने वाले बनोगे. खुदा आपके लिए ये कर रहा है. हालेलुया. खुदावंद आप सबकी जिंदगी में ये काम करना चाहता है और ये बरकत खुदावंद देना चाहता है सिर्फ उसको जो आज ये शो करेगा कि मेरे ऊपर, मैं इस मसा के साथ हूं कि मैं होल्ड ऑन कर रहा हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं. हालात, सिचुएशन, माहौल मुझे कुछ भी बोलता रहे, शैतान मुझे कुछ भी बोलता रहे, तू डिफीटेड है, तू बांझ है, शैतान कुछ भी बोलता रहे, मुझे शैतान के मुंह पे बोलना है मसीह में मैं आई एम मोर देन कॉन्करर, मुझे फतह से बढ़कर गलबा मिला है. कलाम बोलता है कि मैं अपने बच्चों के बच्चे देखूंगा, तो शैतान की क्या हिम्मत है जो मुझे बोले कि मैं बे औलाद हूं. आज ये आपको डिक्लेयर करना है, आपने अपनी ख्वाहिश को दबाना नहीं है, आपने अपनी चीज को दबाना नहीं है, बल्कि मैं यहां पे इस चर्च में ये अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहता हूं कि हम सबके ऊपर ये ना छोड़ने वाली, थाम के रखने वाली अनॉइंटिंग रहे कि हम ने अपने आप को खुदा के वादों के साथ बांध के रखना है, अपने आप को अलग नहीं करना है. खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा. ये शख्स लंगड़ाने लगा है, सुने जिंदगी शायद ये लंगड़ाता रहा है. ये बाइबल इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े वो कहते हैं कि ये जिंदगी भर लंगड़ाता रहा है. आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा, ये लंगड़ापन इसकी शिकस्त नहीं है. ये लंगड़ा के चल रहा है ना, ये लंगड़ापन बेसिकली वो साइन है, वो टाइम है. ये लंगड़ापन उसकी शिकस्त नहीं है, इसकी डिफीट नहीं है, बल्कि लंगड़ापन इसकी विक्ट्री है.
आई समझ में? दिखने में मैं लंगड़ा लग रहा हूं, दिखने में मैं वीक लग रहा हूं, दिखने में मैं हो सकता है ट्विस्ट हूं, लेकिन इसके पीछे मैं खुदा से लड़ा हूं, इसके पीछे खुदा मेरी जिंदगी में बहुत गहरे तरीके से असरअंदाज हुआ है, और ये लंगड़ापन ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन उसने मुझे नस्लों तक ब्लेस किया है। उसने बोला है कि जो कोई इसराइल को ब्लेस करेगा, जो कोई बनी इसराइल को ब्लेस करेगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। हालेलुया, ये ब्लेसिंग मुझे लिए। कीलों के निशान शिकस्त के निशान नहीं है। कीलों के निशान दिखने में लगता है यार शिकस्त हो गई यीशु को, कीलों के निशान शिकस्त के निशान नहीं है, डिफीट के निशान नहीं है, कीलों के निशान फतह के निशान है। हालेलुया, क्रॉस जो है सलीब जो है, देखो तो सलीम नजर आता है, खत्म, गेम खत्म, स्टोरी फिनिश, यीशु मसीह बाय बाय। सलीब का निशान शिकस्त का निशान नहीं है, सलीब का निशान नजात का, फतह का, विक्ट्री का निशान है। हालेलुया, तो जब हम खुदा के साथ इनकाउंटर होते हैं, खुदा के साथ किसी तरह से हमारा सामना होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई निशान, कोई ऐसा चोट, कोई ऐसा धब्बा रह जाता है, लेकिन वही आपको याद दिलाता है कि आपका खुदा के साथ सामना हुआ था। सुने, खुदा ने आप सबके साथ एक स्केड्यूल तय किया हुआ है। स्केड्यूल कहते हैं एक शेड्यूल, उर्दू में शेड्यूल कहते हैं, एक शेड्यूल है आपके साथ मीटिंग का, खुदा का। हर एक के साथ खुदा ने मिलना है, हर एक के साथ खुदा ने एक टाइम, एक मौका रखा है जिसमें खुदा बड़े गहरे तरीके से आपसे मिलेगा। मुझे नहीं पता वो कौन सा टाइम है, हो सकता है वो टाइम कोई एक्सीडेंट का हो, क्या आप जानलेवा एक्सीडेंट में से गुजरे हो और वहां पे आपने खुदा का बड़ा जोरावर हाथ देखा हो। हो सकता है वो टाइम कोई हार्ट अटैक का हो, क्या आपने मैसिव हार्ट अटैक देखा हो और तब आपने खुदा को एक्सपीरियंस किया हो, खुदा को देखा हो कि हाँ खुदा मेरे साथ है। हो सकता है कोई बीमारी से आप गुजरे हो सकता है किसी किस्म के सियासी प्रॉब्लम में से आप गुजरे हो, पुलिस के प्रॉब्लम में से गुजरे हो, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं, अपनी जिंदगी की तरफ पीछे की तरफ देखिए, आपको नजर आएगा कि हो सकता है खुदा ऑलरेडी आपसे मिल चुका है, खुदा आपसे ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी तक आपने इस चीज को अपने जहन में नहीं लिया है कि खुदा मेरी जिंदगी में आया, मुझे टच किया, मुझे हिलाया। मैं हो सकता है उसके बाद सही से नहीं चल पाया, लेकिन ये चलना और सही से ना चलना ये मेरी नाकामी नहीं है, बल्कि ये मेरी फतह है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह जमीन के खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी, आपका शुक्र करता हूँ खुदावन इस टाइम के लिए और खुदावन इन तमाम मेहमानों के लिए जिनको आप दूर और नजदीक से इस जगह पे लेके आए हो। खुदा, मेरा ईमान है खुदावन के आज आप इस चर्च के लिए ये होल्ड ऑन अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहते हो खुदावन। एवं हम लोग थोड़े दिन वेट करते हैं, जब चीजें नहीं होती हैं तो हम दूसरी जगह पे अपना ध्यान लगा लेते हैं, दूसरी चीजों की तरफ सोचने लग जाते हैं, लेकिन खुदावंद आज आपका खादिम होते हुए खुदावंद एक एक शख्स की जिंदगी में जिसने कोई अच्छी आरजू रखी है, जिसने कोई अच्छी ख्वाहिश रखी हुई है और उसको अभी तक वो नहीं मिली है, खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद के ये मसला, ये अनॉइंटिंग याकूब वाली उनकी जिंदगी में ठहरी रहे और खुदावंद अहबाब वो हर एक चीज पे वो मजबूती से पकड़ के रखे और जाने ना दे। और खुदा को बोले खुदावंद ये मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, जब तक तू मेरे बिजनेस को बहाल नहीं करेगा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे नई नौकरी नहीं देगा मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, जब तक तू मुझे जुड़वा बच्चे नहीं देगा, मुझे औलाद नहीं देगा, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं, चाहे मेरी उम्र जा रही है, चाहे हालात वाकियात मेरे खिलाफ चल रहे हैं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पे ये मसा आज खुदा ने दिया है, रिलीज किया है कि मैं इस जगह पे खड़े होके अपनी तमाम पुरानी चीजों को जो मैंने कष्ट अपनी जिंदगी से मिटा दिए हैं, खत्म कर दिए कि शायद खुदा मेरा दुआ नहीं सुन रहा, खुदा मेरे चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबको बोलना चाहता हूं, जो अच्छे ख्वाब, जो अच्छी ख्वाहिशें आपने रखी है खुदा के काम के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लोगों की बरकत के लिए, उनकी तरक्की के लिए,
कोई एक चीज भी अपने दिमाग से आप गिव अप ना करें, कोई एक चीज को छोड़े नहीं, क्योंकि खुदा हमारा सिर्फ ये देख रहा होता है हम कितने साबित कदम हैं, कितनी तकलीफों में से याकूब गुजरा है, उसके बाद पेन में से गुजरा है, एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन उसने बोला नहीं, ये होल्डर अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं यही कह रहा हूं खुदावन, ये चर्च आपको नहीं छोड़ने वाला है जब तक हमारे तमाम ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारे जिंदगियां खुशियों से भरेंगी नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक भाई के साथ, एक एक बहन बेटी के साथ खुदावंद होइए। अहबाब जो दिल में ख्याल रखते हैं, जो दिल में खुदावंद ख्वाहिश रखते हैं, खुदावंद अहबाब मैं दुआ करता हूं ये उसके साथ खुदा के वादों पे भी यकीन रखें, क्योंकि खुदा ने बोला है कि मैं तुझे बांझ का दिल चेंज करके मैं उसे औलाद वाली बनाऊंगा, उसे बरकत दूंगा। खुदावंद अहबाब यीशु के नाम से खुदावंद आज हमारा नाम तब्दील होना चाहिए, आज से हम जॉबलेस नहीं है, आज से खुदावन बहुत अच्छी जॉब वाले हैं, आज से खुदावन हम बेऔलाद नहीं है बल्कि बहुत ही बाबरकत औलाद के माँ बाप है खुदावन, आज से खुदावन हम बीमार नहीं है, कोई नहीं है जो मजाल करे, जो ये जरूरत करे और हमें बोले बीमार है, हम बीमार नहीं है, हम मसीह में मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुके हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन आज की रात खुदावन ये अनॉइंटिंग मैं इस चर्च के लिए रिलीज करता हूँ, जिन लोगों ने खुदावंद हिम्मत हार दी थी वो दोबारा से जोर पकड़े, क्योंकि आपने बोला है कि जो खुदावंद पे तवक्कुल रखते हैं, खुदावंद को उम्मीद रखते हैं, वो अस्तरे नौ जोर पकड़ेंगे और उकाबों की मानिंद उड़ेंगे। खुदावंद दोबारा से वही ख्वाहिशें दोबारा से जन्म लें और खुदावंद अहबाब की आपके वादों पे, आपके टाइम पे वेट करें और खुदावंद आप अपने बच्चों को ब्लेस करोगे। आपका मैं शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।